इस वक्त की बड़ी खबर मनिंद्रगढ़ से, जहां पर पुलिस ने बीती रात अवैध कबाड़ पर बड़ी कार्यवाही की है। तो आपको बता दें कि अवैध कबाड़ पर पुलिस की पहली बड़ी कार्यवाही से हड़कंप मच चुका है। ये खबर मनिंद्रगढ़ की है, जहां पर चिरमिरी क्षेत्र में अवैध कारोबार चल रहा था कबाड़ का, और वहीं नवपदस्थ आईजी सरगुजा के निर्देश पर पुलिस ने यह बड़ी कार्यवाही की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहाँ भारी मात्रा में कबाड़ से लदी 3 ट्रकों पर कार्यवाही हुई है। मनिंद्रगढ़ से खबर आ रही, जहाँ पर 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। खड़गा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर कुछ देर में पुलिस इस विषय पर पूरा खुलासा करेगी। बड़ी खबर, पुलिस ने बीती रात अवैध कबाड़ पर बड़ी कार्यवाही की है। मनिंद्रगढ़ का है पूरा मामला, जहां पर चिरमिरी क्षेत्र में कबाड़ का बड़ा अवैध कारोबार चल रहा था, जहाँ पर नवपदस्थ आईजी के आते ही बड़ी कार्यवाही की गई है। मनिंद्रगढ़ से अशफाक अहमद की रिपोर्ट। सर, जो पुलिस के द्वारा 3 ट्रकें पकड़ी गई, इसमें क्या रखा हुआ था? इसमें 2 में स्क्रैप्स हैं और 1 में गत्ते हैं, पुट्ठे हैं, कुछ ऐसे सामान। सर, इसकी जांच की जा रही है। इनके विरुद्ध जो है पुलिस 3 गाड़ियों को जब्त किए जाकर के कार्रवाई की गई। और गाड़ी के कागजात वगैरह स्क्रैप के? स्क्रैप्स के कागजात जो है फोटोकॉपी है, हम उसको विश्वास नहीं कर रहे अभी, बाद में अपने न्यायालय पेश करेंगे, लेकिन हमारे पास प्रथम दृष्टया जो है अपराध श्रेणी में आ रहा है, अपराध पंजीबद्ध कर रहा है। किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है सर आपके द्वारा? इसमें वही है कि चोरी के मसरूका का अंदेशा पाए जाने से 41(1)(4) में कार्रवाई की जा रही है। सर, ट्रक के मालिक कौन है और ये माल किसके हैं सर? ट्रक का मालिक जो है गिरफ्तार हो चुका है, मिल गया है, टुन्नू नामक व्यक्ति है, शाहिद खान है नाम उसका। और माल किसके हैं सर? माल अभी तक जो बताया गया है कि वो चिरमिरी से लाया गया है,